जिन दिनों विश्व पर सिकंदर की विजय पताका फहरा रही थी, लिसिपस नामक उस यूनानी मूर्तिकार का भी वही उदयकाल था जिसे बाद में विश्व का सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार माना गया। समय कभी रुकता नहीं, वह अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है और बहुत सी स्मृतियाँ, बहुत से प्रतीक अपने गर्भ में समेट कर उन्हें इतिहास का अंग बना देता है। वह मूर्ति भी समय के गर्भ में ना जाने कहाँ दफन होगी, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अवश्य देखा होगा। कैलिस्टोटस नामक व्यक्ति ने उसका चित्र देखा था और अपने शब्दों में उसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया था। वह एक सुंदर युवक है, उसका अंग अंग यौवन की मस्ती से चूर है, उसका चेहरा अत्यधिक आकर्षक है, उसका माथा एक अनोखे तेज से चमकता रहता है, उसके गाल यौवन की आभा से दमक रहे हैं। वह इस प्रकार खड़ा है मानो अभी उड़ने वाला हो। इस मुद्रा में उसके पैरों के केवल उंगलियां व अंगूठा ही पृथ्वी पर टिके हुए हैं। उसके शरीर पर परियों की भांति पंख हैं, लंबे और काले बालों का गुच्छा उसके माथे पर लहराता रहता है, किंतु सिर के पीछे का हिस्सा केशविहीन अर्थात बिल्कुल गंजा है। कैलिस्टोटस ने खास बात का जिक्र किया, वह यह कि उसके हाथों में उस्तरा भी था। उसका भूमि पर खड़े होने का एक निराला अंदाज, माथे पर बालों की लटें, पीछे से गंजापन और हाथ में उस्तरा, आखिर कौन है ये? किसी ने उससे पूछा, कौन हो तुम? तब उसने अपनी रौबेली आवाज में बताया, मैं समय हूँ, मैं सबको अपने बस में करता हूँ। उससे बात करने वाला व्यक्ति उसके रूप और उसकी मुद्रा को देखकर अत्यधिक प्रभावित था। उसने पूछा, लेकिन तुम इस प्रकार पैरों की उंगलियों पर क्यों खड़े हो? क्योंकि मैं सदा गतिशील रहता हूँ। तुम्हारे शरीर पर ये पंख कैसे और क्यों हैं? मेरे शरीर पर पंख इसलिए हैं क्योंकि मुझे गतिशील रहने के लिए तेज उड़ना पड़ता है। तुम्हारे हाथ में यह जो उस्तरा है, इसका क्या अर्थ है? हे भले मनुष्य, यह इसलिए है कि लोगों को यह सदैव याद रहे कि मुझसे तेज, मुझसे अधिक धार वाला इस संसार में और कोई नहीं है। तुम्हारे ये बाल तुम्हारे माथे पर क्यों लटक रहे हैं? क्योंकि मुझे केवल इन्हीं से पकड़ा जा सकता है, जो चाहे मुझे पकड़ ले। किंतु तुम्हारे सिर के पीछे भाग में तो बाल ही नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब मैं उड़ने लगूं तो कोई मुझे पीछे से पकड़ ना सके। तुम्हारा रूप इतना सुंदर क्यों है? मेरा रूप इतना सुंदर इसलिए है ताकि हर इंसान मुझे चाहे, मुझे पकड़ने की चेष्टा करे, किंतु मुझे पकड़ वे ही पाते हैं जो कर्मठ हैं, जो गतिशील हैं, जो अवसर को पहचानते हैं, जो मेरा प्रबंधन पहले से ही कर लेते हैं। यही समय है, यही समय का स्वरूप है। कार्नेलियस बटरविल भेंट के निश्चित समय पर ना पहुंचने को अक्षम्य अपराध मानता था। एक बार उसने एक नव युवक से मिलने का समय निश्चित किया। नव युवक को एक पद के लिए उसकी सहायता की दरकार थी। कार्नेलियस ने नव युवक से कहा कि तुम अमुक दिन मेरे कार्यालय में सुबह 9 बजे आ जाना, मैं तुम्हें साथ लेकर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पास जाकर कह दूंगा कि क्लर्कों के पदों के लिए जो रिक्त स्थान है उसमें से एक पद के लिए यह नव युवक बिल्कुल योग्य है। किंतु नव युवक कार्नेलियस के कार्यालय में 9:20 पर पहुंचा। कार्नेलियस अपने कार्यालय में उपस्थित ना था, वह एक मीटिंग में सम्मिलित होने चला गया था। 2 दिन बाद वह नवयुवक पुनः कार्नेलियस से मिलने में सफल हुआ तो कार्नेलियस ने पूछा, तुम उस दिन मिलने का समय निश्चित करके आए क्यों नहीं? नवयुवक ने तत्परता से उत्तर दिया, वाह कार्नेलियस महोदय, मैं तो आया था पर आप ही नहीं मिले थे। क्या तुम 9 बजे आए थे? जी, मैं 9:20 में वहाँ पहुँचा था। ठीक 9 बजे क्यों नहीं आए? चौराहे की लाल बत्ती के कारण देरी हुई। तुम घर से 20 मिनट पहले क्यों नहीं चले? 20 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? भेंट के लिए निश्चित समय का मूल्य क्या है, इसका तुम्हें शीघ्र ही ज्ञान हो जाएगा। समय का पालन ना करने से तुम अपनी मनचाही नौकरी पाने का अवसर खो चुके हो, क्योंकि तुमने मुझसे मिलने का वचन जिस दिन के लिए दिया था उसी दिन और उसी समय के लिए मैंने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से अपॉइंटमेंट ली थी। मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुमने मेरे समय का कुछ भी मूल्य नहीं समझा और तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता। मैं क्यों तुम्हारी प्रतीक्षा करता? इतने समय में मुझे 2 अन्य व्यक्तियों से भी मिलना था, मैंने उन्हें मिलने का समय दिया हुआ था। नेपोलियन ने एक बार अपने उच्च सेनाधिकारियों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया, पर वे निश्चित समय पर वहां नहीं पहुंचे। नेपोलियन ने उनकी प्रतीक्षा करने के बजाय खाना शुरू कर दिया। वह भोजन समाप्त करके उठने ही वाला था कि सेनाधिकारी आ पहुंचे। नेपोलियन ने निसंकोच उनसे कहा, सज्जनों, भोजन का समय समाप्त हुआ, अब हम काम की बातों पर विचार विमर्श आरंभ करेंगे। डॉक्टर चार्म्स का कहना है, सफलता के लिए 2 गुण बहुत आवश्यक हैं, कार्यशक्ति तथा तुरंत कार्य की आदत। समय पालन से बढ़कर व्यावसायिक योग्यता कोई नहीं है। जो व्यक्ति अन्यों का समय बचाने का ध्यान रखता है वह अपना समय भी बचाता है, और जो अपने समय का मूल्य नहीं जानता वह दूसरों का भी समय नष्ट ही करता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।